आप जब किसी जगह घूमने जाते हैं तो आप वहाँ का खाना ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ की जो फेमस रेस्टोरेंट हैं, ईटरीज हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर समय की कमी के कारण कई बारी आपको या तो उस जगह का पता नहीं चलता या उनकी उस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं होती। वो चिंता आप पे छोड़ दीजिए। मैं आपको शिमला के जो बेस्ट बेकरीज हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो 102, 120, 125 साल पुराने हैं, उन सबको आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि वहाँ का खाना कैसा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शिमला आएँ, जो मैं इन वीडियो में रेस्टोरेंट्स और बेकरी रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उनको एक्सप्लोर करें। यहाँ को इस सब भी बेकरीज को मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि शिमला में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको खाना अच्छा मिलेगा। चलिए आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं। मैं अभी कृष्णा बेकरी पे हूँ। ये मॉल रोड की सबसे पुरानी बेकरीज में एक है और ये 1928 में स्टार्ट हुई थी। अभी सुबह के 10 बजे हैं और आप देख लीजिए 10 बजे ही लोगों को आना शुरू हो गया। ये बेकरी अपने बेकरी आइटम्स के लिए बहुत फेमस है। चलिए आइए इस बेकरी को एक्सप्लोर करते हैं। ये है इनकी बेकरी आइटम, ये है केक्स, पेस्ट्रीज। प्राइस आप देख ही पा रहे होंगे इस पे लिखा हुआ। केक्स हैं और ये है इनका बेकरी आइटम जिसमें बर्गर हैं, सैंडविचेस हैं, हॉट डॉग्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं और पिज़्ज़ा हैं। ये शॉप फेमस है अपने कुकीज़ के लिए भी, स्पेशली ये कोकोनट कुकीज़ के लिए। चलिए आइए जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करते हैं और थोड़ा इस बेकरी के बारे में डिटेल लेते हैं। ये हमारे साथ हैं मिस्टर सुशील शर्मा, ये इसके ओनर हैं। सर, कुछ इस बेकरी के बारे में बताइए। हमारी शॉप 1928 की है, फेमस शॉप है। और सर आपकी क्या स्पेशलिटी क्या है? मेरी तकरीबन सारी ही स्पेशल है आइटम, लेकिन वेज कुरकेस, मोमोज, कोकोनट मैक्रून्स, रिच प्लम केक और बटर कुकीज और पैटीज तो बहुत ही प्यारी है मेरी, बहुत ही अच्छी है जी। पैटीज वगैरह तो हमने ट्राई की हुई है। इसका क्या प्राइस है सर? ये वेजिटेबल मोमोज 60 की प्लेट है, 6 पीस। इसके साथ 3 तरह की चटनी है, चिली गार्लिक रेड, मिंट पेस्ट चटनी एंड वेज मेयोनेज। कुरकेस के साथ भी यही है और कुरकेस 70 रुपीज़ की 6 पीस है। नॉन वेज भी रखते हैं लेकिन ये चीज़ें वेज ही हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए इनके वेज कुरकेस ट्राई करते हैं। आप पहले तो ये साइज देखिए, बहुत ही बढ़िया कुरकुरे ये कुरके हैं। और जो आप चटनी है इसके साथ, जो चाहे वो मेयोनीज हो, चाहे ग्रीन चिली हो, सॉस हो, चाहे रेड सॉस हो, इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया। तो आप जब यहाँ पे आएँ इस बेकरी पे आप ज़रूर ज़रूर आइएगा। ये 1928 की बेकरी है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। तो आप यहाँ आइए और इस बेकरी के जो आइटम्स हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए। मैं इस समय त्रिशूल बेकरी में हूँ। त्रिशूल बेकरी 1959 की है और ये शिमला की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बेकरीज में एक है। इनकी शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स थे वो बेसिकली वही रेगुलर ब्रेड, बन, रस वगैरह थे। इन्होंने 1959-60 में पेस्ट्रीज भी बेचना शुरू कर दिया था, जो उस टाइम के लिए बहुत एडवांस चीज़ थी। आज इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज कर दी है और अब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं। आप जब शिमला आएँ तो त्रिशूल बेकरी पे जरूर आइएगा। त्रिशूल बेकरी मॉल रोड पे है। ये है इनका कुकीज कलेक्शन, देखिए इसमें इन्होंने अपनी जो फेमस कुकीज़ हैं वो सब रखी हुई हैं, जिसमें काजू बिस्किट है,
चीज स्ट्रॉज हैं और कोकोनट बिस्किट्स हैं। बेकरी में लोगों की भीड़ देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेकरी कितनी पॉपुलर है। ये हमारे साथ मिस्टर केशव शर्मा जी हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं और पिछले 47 ईयर से यहाँ पे हैं। आप सर कुछ बताइए इस बेकरी के बारे में और यहाँ की क्या पॉपुलर चीज़ें हैं। सर यहाँ तो हर चीज़ पॉपुलर है। ये बड़ी हेरिटेज बेकरी है, 1959 से है जी, और ये फोर्थ जनरेशन है जो कि इस टाइम चल रही है, थर्ड फोर्थ ईयर चल रही है। और उस टाइम जो है ना इतनी ब्राइटियाँ नहीं होती थी, जैसे जैसे समय बीतता गया तो एडिशनें बढ़ती गई। आज तो बहुत सारी ब्राइटियाँ है और कुछ वैरायटी ऐसी है कि जो इसी दुकान पे आपको मिलेगी और जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि स्पूनी है, अच्छा है, ये वाली जो चॉकलेट अभी आई है, ये वाली जी ग्लेज चॉकलेट, ये कोई नहीं बनाता, ये है। और अपने एक्लेयर्स हैं, ये चीज़ें जो है मतलब और जगह ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा और ना कोई बनाते हैं। ठीक है, तो आप जरा हमें थोड़ा टेस्ट करवाएंगे जो आपकी फेमस यहाँ की डिशेज हैं जी। ये है इनका और बेकरी प्रोडक्ट्स, ये अभी सब रिफिल हो रहा है, इनका रिफिल होता है, खत्म हो जाता है, फिर रिफिल होता रहता है। ये स्पूनी है। अच्छा, ये है स्पूनी, इसमें है, ये नुराइन बिस्किट होता है स्पेशल विद नट्स, सेंटर में बटर चॉकलेट होता है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बेस्ट्री है ये। ओके, आप देखिए, ट्राई करके देखिए। ये क्या प्राइस है? ये 80 रुपीज पर पीस है। अच्छा, और ये जैपनीज है, इसमें टॉप और बॉटम में वही सेम चीज है, सेंटर में चॉकलेट विद स्पंज है और टॉपिंग में चॉकलेट की है। अच्छा जी, ये एक्लेयर है, इनसाइड फर्स्ट टाइम होगी, टॉपिंग ऊपर चॉकलेट की, बहुत अच्छी चीज है। ओके सर, इनका प्राइस भी 70-80 रुपीज है। और ये जो है ये चॉकलेट पेस्ट्री है। अच्छा, एक्लेयर एंड चॉकलेट ये 70 रुपीज ईच है, जैपनीज एंड स्पूनी 80 रुपीज पर पीस है। ओके, अब आप देखिए, ट्राई करिए। थैंक यू। चलिए आइए, इनकी जो फेमस पूनी है उसको ट्राई करें। इन्होंने मेरे को बताया था इसको आपने ऐसे नहीं खाना, इसको आपने ऐसे ही खाना सीधा। बहुत ही यूनिक है, जो इसमें जो क्रीम है, जनरली आप बेकरी शॉप पे जाते हैं जो क्रीम आती है उसमें एक बहुत ज़्यादा हैवी पंखा रहता है, पर जो इसकी क्रीम है वो एकदम स्मूथ है। आप जब भी आए यहाँ पे ये पूनी जरूर ट्राई करें। ये जो इनकी दूसरी जो फेमस है वो है ये जापानीज पेस्ट्री, जो ये कहते हैं कहीं नहीं मिलती, तो ट्राई करके देखते हैं कि ये कितनी बढ़िया है। पेस्ट्री वाकई बहुत बढ़िया है। ये बिस्किट है, दो बिस्किट के बीच में चॉकलेट का क्रीम है, उसके बाद टॉपिंग में चॉकलेट क्रीम है और उसके ऊपर ये चॉकलेट फ्लेक्स है। इस पेस्ट्री का कॉस्ट 80 रुपीज़। त्रिशूल बेकरी पे मेरी मुलाकात हुई मिस्टर जे आर नंदा से, जो शिमला के ही रहने वाले हैं और वो त्रिशूल बेकरी पे जब से स्टार्ट हुई तब से आ रहे हैं। चलिए आइए इनसे पूछते हैं इस बेकरी की कुछ यादगार। सर अगर आप कुछ बता सके इस बेकरी के बारे में। सर मेरी यादगार तो कॉलेज के टाइम से है, जब ये बेकरी खुली थी, मैं यहाँ एसटी कॉलेज में पढ़ रहा था, तो इनकी फेमस पाइनएप्पल पेस्ट्री खाने हम ऑलमोस्ट डेली आ जाते थे इकट्ठे होके स्टूडेंट। टाइम बीतता गया, हम लोग इससे जुड़ते गए और अब तो ऐसे है कि त्रिशूल एक आदत सी बन गई है, रोज़ यहाँ पे एक कप कॉफ़ी जब तक ना मिले तो ज़रूर नहीं आता है। हम आते हैं इधर, यहाँ पे आजकल के हॉट रनिंग प्रोडक्ट्स जैसे स्पूनीज और जैपनीज इतनी फेमस हो गई हैं कि हर एक फूडी चैनल में उनका जिक्र है जी। ये दो पेस्ट्रीज तो हिंदुस्तान में मैंने कहीं और नहीं देखी हैं बनते हुए। आपको मैं बता दूं, मिस्टर नंदा जो हैं वो रिटायर्ड सीईओ हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जॉइंट वेंचर के, और अब वो यहाँ पे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं
और कॉफी को इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, जनरली लिकर शॉप जो है ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ये लिकर शॉप देखिए फर्स्ट फ्लोर पे है। शिमला की मॉल रोड पे आपको सारे ब्रांड्स के शोरूम मिल जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारी ईटरीज भी हैं, तो आप उन ईटरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल रोड पे जो एक और फेमस आउटलेट है वो है केक मास्टर्स। केक मास्टर्स फेमस है अपनी पेटिसरीज, और इनकी पेटिसरीज हैं, केक्स हैं, और ये फेमस है अपने हिमाचली सिद्धू के लिए। ये है हिमाचली सिद्धू, और इनका जो अगला जो एक और फेमस डिश है वो है एप्पल पाई। ये है एप्पल पाई। क्या कॉस्ट है इसका सर? ये 150 का है और सिद्धू जो है 160 का है। तो अगर आप मॉल रोड आ रहे हैं, आप इस आउटलेट पे ज़रूर आएं और ये हिमाचली सिद्धू को ज़रूर ट्राई करें। आइए आपको शिमला के सबसे बड़े गुलाब जामुन वाली शॉप पे लेके चलते हैं। इसका नाम है गुडविला बेकरी। ये फेमस है अपने बड़े साइज के गुलाब जामुन के लिए। ये देखिए साहब, ये है गुलाब जामुन। ये है एक गुलाब जामुन जो दो गुलाब जामुन से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसका प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़। सो आप मॉल रोड पे आ रहे हैं तो इस गुलाब जामुन को ज़रूर ट्राई करें। सर आपको कैसा लग रहा है खाने में गुलाब जामुन? सही में पसंद आया आपको या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? पसंद आया आपको? चलिए, इनकी जो और जो फेमस डिश है वो है पाव भाजी और टिक्की चाट। ये देखिए, ये है इनकी पाव भाजी जिसमें ये दो पाव रहते हैं, भाजी रहती है और प्याज और लेमन रहता है। इसका प्राइस है 90 रुपीज़। और बेस्ट बात यह है, ये पूरी भाजी और ये जो पाव है देसी घी में बना हुआ है। ये लीजिए, हमारी देसी घी की टिक्की तैयार हो रही है। ये एक प्लेट टिक्की में दो पीस देते हैं, और ये टिक्की को देसी घी में फ्राई किया जाता है। उसके बाद इसमें ये चटनियाँ डाली जाती हैं। देखिए, ये हमारे लिए टिक्की बना रहे हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको, टिक्की कितनी करारी है, उसके कुरकुरेपन की आवाज़ आपको आ रही होगी। इसमें ये मीठी चटनी डाल रहे हैं पहले, फिर ये दही डाल रहे हैं, और ये फिर धनिया पुदीना की चटनी, और साथ में थोड़ा सा सैलेड डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए। ये मसाला डाल दिया इन्होंने अपना स्पेशल, और ये लीजिए टिक्की तैयार है। ये देखिए टिक्की तैयार है, आप आइए और इस टिक्की का मज़ा लीजिए। चलिए आइए इस टिक्की को तैयार ट्राई करते हैं। टिक्की वाकई बहुत कुरकुरी है, और जो चटनियाँ डली हैं वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर के आ रही है। मॉल रोड पे ही ये हनी हट करके एक आउटलेट है, ये फेमस है अपनी शेक्स और सैंडविचेस के लिए। सो आप जब यहाँ पे आएँ तो ये आप शेक्स और सैंडविच यहाँ ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड पे ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस। आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है अगर आप इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में नहीं आते। ये कॉफ़ी हाउस 1957 से है, और सेलिब्रिटीज़ का एक फेवरेट जॉइंट है। नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, डिप्लोमेट, सभी लोग इस इंडियन कॉफ़ी हाउस में आ चुके हैं। चलिए आइए हम भी यहाँ पे जो यहाँ का फूड है उसको ट्राई करते हैं, और इसके एम्बियंस को एक बार देखते हैं। ये है इनसाइड व्यू। ये है इंडियन कॉफी हाउस का मेन्यू।
जो यहाँ का फेमस है वो है साउथ इंडियन, तो आप जब भी यहाँ पे आए साउथ इंडियन जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इस रेस्टोरेंट में विजिट कर चुके हैं 27 दिसंबर 2017 को, ये इनका फोटो है। चलिए आइए हम भी यहाँ का जो फूड है उसको ट्राई करते हैं। ये हमने मसाला डोसा और कॉफ़ी ऑर्डर किया है इंडियन कॉफ़ी हाउस में, ये यहाँ का सबसे फेमस है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसा स्वाद है इसका। डोसा बहुत कुरकुरा है और स्टफिंग भी अच्छी है। जो चटनी है वो माइल्ड है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और सांभर भी जो है काफ़ी माइल्ड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और नॉर्थ इंडियन फूड को इंजॉय करें। इनके पास और भी चीज़ें सैंडविचेज वगैरह वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर साउथ इंडियन का सबसे फेमस है। आप आइए और इसको इंजॉय कीजिए। आइए यहाँ कॉफ़ी भी टेस्ट करते हैं। कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है और आपको रिफ्रेश कर देगी कॉफ़ी, ये गारंटेड बात है। मॉल रोड पे जब आप लक्कड़ बाज़ार की तरफ जाते हैं तो ये एक जस्ट बेक करके शॉप है, ये बेकरी शॉप है और यहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट शॉप है। चलिए आइए इस शॉप को अंदर से ज़रा एक बारी व्यू करते हैं। ये है इनका बिस्किट का रेंज, ये पूरा इनका बिस्किट का बेक रेंज है और नीचे है इनके बेकरी का सेक्शन। इसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, स्प्रिंग रोल है और ये नीचे पेस्ट्रीज में है। इसके दूसरी साइड पे अगर आप अपना कोई स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इनके पास केक्स वगैरह भी हैं, काफ़ी वैरायटी है इनके पास केक की। और ये है इनका बेकरी सेक्शन। यहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ है जो मुझे शॉप के ओनर ने बताया है वो है ये है रसमलाई। बहुत ही डिफरेंट टाइप की रसमलाई है ये और ये तीन फ्लेवर में है, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। और इसका प्राइस जो है वो 90 रुपीज़। यहाँ के स्टाफ ने बताया है कि इनकी पैटीज बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी फेमस है, सो ये पनीर की, आलू की और मशरूम की पैटी रखते हैं। तो चलिए एक पैटी ट्राई करते हैं, एक पनीर वाली पैटीज दीजिए प्लीज़। ये हमने ली है पनीर पैटी, चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कैसा स्वाद है इसका। बहुत बढ़िया स्वाद है इसका, आप जब भी यहाँ पे हैं एक बार इस शॉप पे जरूर विजिट कीजिएगा। मॉल रोड में लिफ्ट के पास ये एक और बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एम्बेसी। ये फेमस है अपने केक्स के लिए, जो इनका सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो ये हॉट सेलर चॉकलेट चीज केक है और ये एप्पल आलमंड पाई है। सो आप जब भी आप मॉल रोड की साइड आएँ और इस तरफ हों तो आप इस आउटलेट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ब्रिज के पास लक्कड़ बाज़ार पे ये सीताराम एंड संस करके शॉप है, ये शॉप फेमस है अपनी आलू पूड़ी के लिए, यहाँ पूड़ी को यहाँ लूची कहा जाता है। आइए पूड़ी ट्राई करते हैं। ये है इनकी सब्जी और ये है लूची। इसका जो प्राइस है 80 रुपये है, ये इसका पूरा रेट लिस्ट है। चलिए आइए पूड़ी ट्राई करते हैं। आप इस शॉप की पॉपुलैरिटी इसी हिसाब से लगा सकते हैं
ये शॉप खुले अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और यहाँ पे लोगों की लाइन देखिए। ये लीजिए हमारी पूड़ी की प्लेट आ गई है, लूची की प्लेट आ गई। चलिए इसको ट्राई करते हैं, बताता हूँ कैसा। ये हमने सीताराम की लूची मंगवा ली है। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं, बताता हूँ कि क्या टेस्ट है इसका। टेस्ट इसका बढ़िया है, मसाले इसके लाइट है और जो पूड़ी में जो ऑयल है वो भी काफ़ी कम है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं यहाँ पे या आप लंच करना चाहते हैं तो इस शॉप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिमला में लोअर बाज़ार में ये है मेहरू स्वीट्स। ये शॉप 1902 की है और बहुत ही फेमस शॉप है। जब भी आप शिमला आए एक बारी इस शॉप पे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये शॉप फेमस है अपनी मिठाइयों के लिए और चाट पापड़ी के लिए। जो यहाँ की फेमस मिठाई है वो है ये चॉकलेट की बर्फी। ये है चॉकलेट बर्फी, इसका प्राइस है 500 रुपये। और ये है ग्रीन पंजीरी लड्डू जिसका प्राइस है 580 रुपये। ये सारी मिठाइयाँ देसी घी से बनी हुई हैं। मेहरू स्वीट जो सबसे फेमस है वो है अपनी आलू पूड़ी के लिए, पर लक्कड़ बाज़ार में आलू पूड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपने आलू पूड़ी खानी है तो आपको कच्ची घाटी जाना पड़ेगा जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। हमें इस समय कच्ची घाटी पे मेहरू स्वीट्स, ये जो शिमला में लोअर बाज़ार में मेहरू स्वीट्स है उनकी ये ब्रांच है। ये ब्रांच फेमस है अपनी आलू पूड़ी के लिए। चलिए आइए चेक करते हैं कि ये कितनी बढ़िया आलू पूड़ी बनाते हैं। नमस्कार गगनदीप जी। नमस्कार जी, कैसे क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये है गगन लखनपाल जी, ये मेहरू स्वीट्स के इस समय ओनर हैं, कर्ता धरता है। इनकी ये 2 आउटलेट्स हैं, एक है शिमला में लक्कड़ बाज़ार में और दूसरा है यहाँ पे कच्ची घाटी में। आइए अब इनसे पूछते हैं कि मेहरू स्वीट्स की क्या कहानी है। जी पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। आइए, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बिल्कुल सर। और कहानी तो मैं इस तरह करूँगा, एक इतिहास है। हाँ जी। पुराना, जो भी पुराने यहाँ के लोग हैं वो सभी जानते हैं, अंग्रेजों के समय से ये दुकान एस्टेब्लिश हुई। ओके, कौन से सन में एस्टेब्लिश हुई? 1902 में। अच्छा, 1902 की ये शॉप है जी, वो आपकी जो लोअर बाजार में? लोअर बाजार में हमारी मेन शॉप है जी। और अंग्रेजों के समय से वो एस्टेब्लिश हुई, वहाँ पे शुरू हुई और वहाँ पे काफी आना जाना था। जो पुराने लॉर्ड माउंटबेटन तक के वो सब वो लोग आते थे, वाह, खाते थे वहाँ पे, खिलाते थे। तो उन्हें पसंद आती थी इंडियन मिठाई? बिल्कुल, जो हमने अपने बाप दादाओं से सुना है, पुराने हमारे बुजुर्गों से सुना है, उन्हें बहुत पसंद आती थी, बल्कि करीज पसंद आती थी। वहाँ पर हमारी आलू पूरी बहुत चलती थी। अच्छा। दूध जलेबी, जो उनके लिए एक बहुत ही नया टेस्ट था क्योंकि इंग्लैंड में वो नेचुरल नहीं था। उसके बाद वो करते करते आज़ादी के बाद सेलिब्रिटीज काफी आने लगे। अच्छा। नेतागण बहुत आते थे पंजाब के, जब ये इकट्ठा पंजाब था। हाँ। तो जो अमरिंदर सिंह जी थे उनके पुराने वंशज सारे आते थे। अच्छा। तो रॉयल फैमिली से सारे लोग आते थे, सारे आते थे, वो लोग यहाँ पर खाते थे। तो जो पुरानी ट्रेडिशनल स्वीट्स थी लोअर बाजार में, वहाँ पर अब आज की स्थिति है कि वहाँ पर पहले तो पूरी जलेबी, दूध जलेबी और ये सब बहुत चलता था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम हो गई, डिवीजन हुआ, उसके बाद हमने एक आउटलेट यहाँ पे खोला। ओके, चलिए बातचीत तो आपसे करते रहेंगे जी। आप हमें ये बताइए कि आपकी सबसे फेमस मिठाई कौन सी, वो मिठाई जो 1900 से चलती आ रही है। 1902 से हमारी काफ़ी मिठाई चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्लेट लाना ज़रा एक मिठाई की, जरा चेक करते हैं कि ये जो 1900 में लोग क्या मिठाइयाँ पसंद करते थे। आज के टाइम पे तो बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, पर वो जो ट्रेडिशनल मिठाई जिसे हमें कहते हैं, जो सदियों से चलती आ रही है, जरा उसका एक मुआयना करते हैं जी। ये देखिए आपके सामने है। अच्छा। अब ट्रेडिशनल में इसे सब पहचानेंगे, ये इमरती। अच्छा, तो इमरती आप कह रहे हो कि ये हमारी 1900 से चलती आ रही है। 1902 से स्टार्ट करी तो जलेबी और इमरती, मतलब भाई बहन जो है ये 1900 के, 1902 उससे पहले के, मतलब जलेबी से ही एक तरह से शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। जो जिनके नाम पे ये दुकान है, पूज्य श्री मेहरचंद जी,
उन्होंने चने बेच के काम शुरू किया था। अच्छा। चने बेचते हुए बारात में चने बेचते थे बाजार में स्कूल में, उसके बाद उन्होंने चने बेच बेच के नाम कमाया, तो लोगों को उनका हाथ का टेस्ट पसंद आया, धीरे धीरे उन्होंने मिठाइयों में अपना किया, तो जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लगे और हम लोग इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ग्रेट। तो इमरती है ये, आपने तो लग रहा होगा ढोकला जैसा। हाँ। लेकिन ये है मेसू। मेसू। हाँ जी, ये बिल्कुल क्रिस्प होता है, ये है जी, बिस्किट की तरह आपको दिखेगा। तो ये क्या सर, ये अपना पतीसा टाइप है कि कोई अलग वैरायटी? बनता बेसन से, घी से बनता है जी। तो पुराने लोग एप्पल सीजन होता था यहाँ पे, सेब के लिए ऊपर जाते थे, वो लोग इसे रखते थे। अच्छा। दो दो महीने खराब नहीं होता। अच्छा। से खाते रहते थे। तो इसकी मतलब स्टोरेज अच्छी है, आप इसको काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद हमने जो नई इसमें एडिशन करी कुछ सालों बाद, और चीजें आई, बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी आपने बहुत खाई होगी, इसकी रेसिपी अलग है, अगर आप ट्राई भी करेंगे। देखिए ये है बेसन की बर्फी जी, इसमें और काजू बर्फी सब जानते हैं। हाँ। लेकिन हमारी एक है अंजीर की बर्फी। अच्छा जी। अच्छा, ये अंजीर की बर्फी कई जगह मिलती है, तो ये मतलब इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, जैसे ये इतनी पुरानी है तो ये अंजीर, क्योंकि यहाँ पर अंजीर की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है। हाँ। पहले तो बॉर्डर्स में थे कश्मीर और इसके, तो बहुत आराम से मिल जाता था। अच्छा। तो ये शुरू हुई थी अंजीर घोटमा, हम इसको कहते थे घोट के बंदी, कोई मशीनी काम नहीं होते थे तब, सिर्फ घोट के बनती थी कश्मीर से, जो गुजर लोग आते थे ये लोग लाते थे। अच्छा। उसमें उसको क्या कहते हैं अंजीर से यहाँ फेमस, क्योंकि इसकी भी स्टोरेज अगेन, और ऊपर से ये बर्फ का यहाँ रहता था, तो इसमें खराब होने वाला कुछ नहीं था। फिर एक ये है गरी और पंजीरी के लड्डू, अब यहाँ पर ठंड रहती है तो ये जो गरी और पंजीरी का ये जो लड्डू है ये भी 1900 के टाइम का है कि ये आपने रिसेंटली बात बनाया है? कुछ समय बाद शुरू हुआ, कुछ समय बाद, मतलब 50 साल पहले कह सकते हैं, 41 साल पहले। फिर इसकी कहानी इस तरह है कि यहाँ पर पंजीरी तो हर जगह मिलती है, पंजीरी होती है गर्म सर्दियों में, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें कोकोनट का फ्यूजन करके दोनों को वो किया है, कोकोनट प्लस पंजीरी। बढ़िया। इस तरह की मिठाई है, ढूढ़ा है, गुलाब जामुन है, काजू है, मैंने डिस्प्ले की है, और बाकी ये है जी इनकी जो पॉपुलर मिठाई है। तो आप आइए मेरू स्वीट्स पे और इन मिठाइयों को ट्राई कीजिए, और जो 1900 से लेगेसी चलती आ रही है मिठाइयों की, इस शॉप की नहीं, इन मिठाइयों की, उन्हें जरूर टेस्ट कीजिए। तो गगन जी, इस आउटलेट की सबसे मशहूर चीज क्या है? सर, इस आउटलेट को शुरू करने के बाद हमें नीड लगी कि यहाँ पर खाने पीने का वही पुराना टेस्ट हम यहाँ लाए, बहुत डिमांड थी लोगों की। अच्छा। तो जो बेस्ट चीज यहाँ पे चलती वो है आलू पूरी। अच्छा, आलू पूरी में भी, लंच में, जिसमें आलू की सब्जी, चने की सब्जी, अचार, अचारी मिर्च वगैरह होती है, और दो पूरी होती है एकदम, मतलब मसालेदार, बढ़िया से है, मसालेदार बढ़िया पूरा। मिर्चे वर्चे ज्यादा तेज तो नहीं होती ना? नहीं, हल्का रखते हैं हम इसे। अच्छा, इसी के लिए। तो एक तो हो गया आपका आलू पूरी। हाँ। और क्या फेमस रहता है? और एक रहता है मीठे में शाम में दूध जलेबी। अच्छा। दूध जलेबी मिलती होगी, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था कि बच्चों को, बड़ों को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, नजला हो जाए, तो आपने दवाई नहीं देनी, दूध जलेबी देनी है। अच्छा। और अगले दिन को आपका नजला साफ। तो मतलब ये ट्राई टेस्टेड नुस्खा है, पूरा नुस्खा। बच्चों को अगर गलती और जुकाम खांसी हो रही हो तो थोड़ी जलेबी और दूध पिला दीजिए, जलेबी गर्मा गर्म। चलिए चलिए ट्राई करते हैं आपकी जलेबी और आलू पूरी। और उसके अलावा आपके चाट है जो यहाँ पर बहुत चलता है, चाट है, चाट की बहुत सारी आइटम्स है, पापड़ी चाट, राज कचौरी, वो हम अलग तरीके से यहाँ पे आपको बना के खिलाएंगे। चलिए यहाँ पे मेरू स्वीट्स पे आलू पूरी टेस्ट करते हैं, दूध जलेबी टेस्ट करते हैं, और जैसे गगन जी कह रहे चाट है, चाट को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये पूरी बन रही है, कलर देखिए आप पूरी का, एकदम गोल्डन ब्राउन हो रखा है। ये देखिए ये उस्ताद जी, ये जो पूरी बन रही है ये क्या मैदे की है, आटे की है ये? अच्छा, आटे की पूड़ी है, थोड़ा पिट्ठी दाल की पिट्ठी। अच्छा, दाल की पिट्ठी डलती है इसके अंदर। अच्छा, तो दिखाइए कैसी बन के आई है, जरा प्लेट दिखाइए एक बार। ये देखिए ये आ गई है पूड़ी, साथ में ये है अचार, छोले, और ये आलू की सब्जी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, चलिए आइए पूड़ी टेस्ट करते हैं। ये हमारी पूड़ी आ गई है, ये है पूड़ी, ये है छोले, और ये है आलू की सब्जी, साथ में ये अचार है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं और आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं कि शिमला से ड्राइव करके 5-6 किलोमीटर इस जगह पे आना वर्थ है कि नहीं है। सर,
पूड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो पिट्ठी डली है उसका एक अलग फ्लेवर आ रहा है। आलू की सब्जी जो है मसाले एकदम माइल्ड हैं, ऐसा नहीं कि स्पाइसी है या बहुत ज़्यादा मिर्च डली हुई है या मसाले डले हुए हैं, सब बैलेंस मसाले हैं। आई थिंक ये 1900 से जो चीज़ चल रही आ रही है उसको ये लोग उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है। आप आइए और यहाँ पे खाने को एंजॉय कीजिए। आलू पूड़ी हमने टेस्ट कर ली है, आइए अब इनकी चाट टेस्ट करें। ये है पापड़ी चाट, जिसमें पापड़ी, दही और चटनी और इनके अपने मसाले हैं। और ये है टिक्की, जो ये देसी घी में बनी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, पहले टिक्की टेस्ट करते हैं। टिक्की क्रिस्पी है बहुत, और इसमें अंदर दाल की फिलिंग है। देसी घी की वजह से टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनी है। चलिए अब ये चाट ट्राई करते हैं। ये जो चाट है दिल्ली की चाट से बिल्कुल डिफरेंट है। दिल्ली की चाट भी बहुत टेस्टी होती है, एट द सेम टाइम ये चाट भी बहुत टेस्टी है। ऐसा लगता है कि जो पुराने टाइम का जो मसाले हैं या जो बनाने का प्रिपरेशन है वो इन्होंने कंटिन्यू रखा है, इसलिए एक अलग टेस्ट आ रहा है। सो आप जब आएँ मेहरू स्वीट्स पे, यहाँ पे आलू पूड़ी ट्राई कीजिएगा, चाट ट्राई कीजिएगा और दूध जलेबी ट्राई कीजिएगा। लोअर बाज़ार में ये नाथूराम लक्ष्मण दास करके शॉप है, ये मिठाइयों की शॉप है और ये 125 साल पुरानी शॉप है। इस दुकान की जो सबसे खासियत है वो है ये गरम दूध और ये देसी घी में बनी जलेबी। इसका चार्ज 130 रुपये है। इसमें ये ग्लास में 100 ग्राम जलेबी डालकर उसको दूध से फिल करके देते हैं। इसके अलावा जो इनकी दूसरी मशहूर चीज़ है वो है आलू पूड़ी, इसका चार्ज है 110 रुपये। आप यहाँ पे और भी मिठाइयाँ चेक कर सकते हैं, मावे और खोए की मिठाई है। तो आप जब इस तरफ आ रहे हैं तो आप नाथूराम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये 125 साल पुरानी शॉप है। नाथूराम लक्ष्मण दास अब मशहूर है अपनी आलू पूड़ी के लिए भी। ये आलू पूड़ी देसी घी में बनाई जाती है और जिसे छोले की सब्जी और आलू के साथ सर्व किया जाता है। इसका प्राइस है 110 रुपये। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी है ये आलू पूड़ी। इस मिठाई की दुकान की खासियत जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो इसकी ओनर हैं श्रीमती विमला कश्यप सूद, वो पूर्व सांसद भाजपा सरकार की रह चुकी हैं। ये देखिए, ये इनके कुछ फोटोज़ हैं यहाँ पे और ये एक प्रेस क्लिपिंग है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हुए। ये लीजिए हमारी पूड़ी आ गई है। ये देखिए साइज़ भटूरे का, जो इसको पूड़ी कहा जाता है, क्या बड़ा साइज़ है। साथ में सर्व होती है अचार के, आलू की सब्जी के साथ और छोलों के साथ। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसी है खाने में। चलिए आइए इस पूड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। पूड़ी बहुत लाइट है, ये रेगुलर भटूरों की तरह हैवी नहीं है, बहुत लाइट पूड़ी है। और जो सब्जी का मसाला है वो भी बहुत लाइट है। तो आप जब शिमला आ रहे हैं तो आप इस शॉप पे जरूर विजिट करें और यहाँ के भटूरे और जलेबी और दूध को एंजॉय करें। चलिए आइए इनकी ये दूध जलेबी ट्राई करते हैं। ये पहले ग्लास में जलेबी डालते हैं इस तरह से और उसको फिर ये गरम दूध से फिल करते हैं। और उसके ऊपर ये डाली जाती है कड़ी हुई मलाई। चलिए आइए इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखिए हमारा ग्लास बन के आ गया, चलिए इसको ट्राई करते हैं।
ये देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और इसको ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं कैसा लग रहा है खाने में। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मॉल रोड पे काफ़ी सारी लिकर शॉप भी हैं, तो अगर आपको शाम को लवली करने का मन करता है तो आप इन शॉप से आकर के लिकर ले सकते हैं। इनके पास आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, वाइन की, विस्की की, बियर की, तो आप यहाँ से जो चाहें शॉपिंग कर सकते हैं। मॉल रोड पे लक्कड़ बाजार में सीताराम एंड सन्स, ये बहुत फेमस छोले भटूरों की शॉप है। इसका जनरली ओपन होने का टाइम 11 बजे है, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो अभी शॉप खुली नहीं है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये ऑमलेट की शॉप है चौहान साहब की, और ये जो शॉप है तकरीबन 25 साल पुरानी शॉप है ये, और ये 25 साल से ब्रेड ऑमलेट और बाद में इन्होंने चीज़ों का एडिशन किया मोमोज वगैरह का, तो ये शॉप है यहाँ पे। जो ऑमलेट की रेंज है इनकी 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक है, तो आइए जो इनका फेमस है चिकन ऑमलेट वो ट्राई करते हैं। अभी ये बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, सो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं और फिर उस इनके जो फेमस चिकन ऑमलेट है उसको ट्राई करते हैं। इस चिकन ऑमलेट का प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ है। ये हमारे लिए चिकन ऑमलेट बनाया जा रहा है, ये देखिए कितना सारा मक्खन डाला इन्होंने अमूल का, और इसमें इन्होंने दो अंडे लिए हैं, उसमें प्याज ये डाल रहे हैं, और ये इनका सॉल्ट हो गया, पूरा तड़का मार करके ये ऑमलेट बनाया जा रहा है। ऑमलेट को बनने में तकरीबन 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी लोडेड ऑमलेट बनेगा ये। मक्खन देख करके आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कितना हैवी ऑमलेट बनने वाला है ये। ये दो अंडों के ऑमलेट में ये दो ब्रेड लगाते हैं, और अब देखते हैं इसके अलावा इसमें ये क्या क्या डालते हैं। ये आ गया आपका चिकन तड़का, ये डाल रहे हैं जी चिकन। तो इन्होंने इसको चिकन को तड़का लगा करके बना के रेडी करके रखा हुआ है, तो आप जैसे डोसा लेते हैं ना उसमें उसी तरह से ये उसकी स्टफिंग कर रहे हैं, और ये इन्होंने लगा दी ब्रेड, ये तंदूरी सॉस डाल दिया इन्होंने, मेयोनेज, सेजवान डाल दिए स्पाइसीनेस के लिए, ऑलमोस्ट अंडा ऑलमोस्ट रेडी हो गया ऑमलेट ही। अब ये ऑमलेट देखिए एकदम रेडी हो गया है। अरे बाप रे, अब ये मक्खन इसमें रह गया था डलना क्या? ये देखिए ये लगभग आधे से ज़्यादा मक्खन इसमें चला गया है। तो भाई साहब, अगर आप ये पूरा ऑमलेट खा रहे हैं उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपको, अगर आपने ब्रेकफास्ट में ये खाया है तो लंच या डिनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने आप में इतना एक सफिशिएंट मील है जो आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, कलर देखिए आप, बटर डालने से क्या बढ़िया कलर है इसका आ गया, और फ्रेग्रेंस, आप यहाँ होते तो आपको पता चलता है कि क्या फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ पे, क्या अरोमा है खाने का इसका। ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया, ये क्रिस्पी हो गया है, बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जा रहा है ताकि इसका क्रिस्पीनेस मेंटेन रहे। ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया, और इसकी चौहान साहब प्लेटिंग कर रहे हैं। देखिए
पूरा बटर से लबालब ये ऑमलेट है। मक्खन की क्वांटिटी आपने देख ही ली है कि कितना डला है इसमें। आप इसमें चीज़ भी ऐड करा सकते हैं, पर फिर आप समझ लीजिए कितना है ओवरलोडेड होने वाला है। तो ये हाँ, इन्होंने मेरे को सिंगल देखते हुए कहा कि भाई साहब आप यही दीजिए, चीज़ वाले को ना लीजिए, वो आपसे ना खाया जाएगा। और ये देखिए, अब इसको ये कट करेंगे। अच्छा, कट करने का इनका स्टाइल देखिए, जिस तरह से देते हैं। जनरली लोग चार कट मार करके दे देते हैं और चटनी ऊपर डाल देते हैं, ये एक साइड से उसको निकाल करके और फिर वहाँ पे चटनी डालते हैं। तो बेसिकली एक स्लाइस निकाल देते हैं जिससे काफ़ी स्पेस बन जाता है चटनी रखने के लिए, और फिर उसके बाद ये चटनी सर्व करते हैं। लीजिए ये जी, ये इन्होंने पिज़्ज़ा की तरह इसको गार्निश कर दिया है। आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं, बताते हैं कि कैसा बना है ये। ये लीजिए फाइनल प्रिपरेशन इसकी रेडी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा बना है। चलिए, ये चौहान साहब ने जो ऑमलेट बनाया है उसको ज़रा टेस्ट किया जाए। देखने में तो भाई बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है। भाई तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो बटर ऑमलेट तो ही आई, फिर उसके अंदर डले हुए चिकन की स्टफिंग, और ऊपर से इन्होंने ये जो सॉसेस डाली है ना, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो लक्कड़ बाज़ार में चौहान एग सेंटर पे ज़रूर आएँ। ये सीताराम एंड संस जो छोले भटूरे की शॉप है उसके बिल्कुल सामने है, आप ज़रूर आएँ और ये टेस्ट करें। कई टाइप के बनाते हैं पर ये मेरा बेस्ट है। रिच पर ये इंटरनेशनल समर फेस्टिवल लगा हुआ है, आइए इस फेस्टिवल को जरा एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली ये फ्ली मार्केट है, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पे बड़ा फेमस ये पान का काउंटर है, जो ये वेरियस फ्लेवर में पान बनाते हैं। आप कौन कौन से फ्लेवर के पान बनाते हैं? ये सर यहाँ पर स्पेशल मीठा पान है, स्ट्रॉबेरी पान है, मैंगो फ्लेवर पान है, फायर पान है सर, और रबड़ी पान है, और सादा पान और तमाम पान भी चलते रहते हैं। तो क्या प्राइसिंग है उसका? ये फायर पान बन रहा है आपके सामने। कैसा लगा आपको पान? ये सहारनपुर का स्पेशल मीठा पान है सर। ये सहारनपुर का मीठा पान लगा रहे हैं ये। ये इनकी स्पेशलिटी है जी। और इस पान की कॉस्ट है 50 रुपीज़। हाँ जी, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शिमला का, मसूरी का, नैनीताल का और कुफरी का वीडियो डाला है, सो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, कपिल धवन साइनिंग ऑफ।